बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम वाकेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर उससे थोड़ी देर बाद जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम वाकेंट के ज़ेरे एहतमाम 42वां सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम जुलूस पीर तरीकत रहबर शरीयत हज़रत पीर अल्लामा अब्दुल कादर की ज़ेरे सरपरस्ती रवाना होने वाला है। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी ईदगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। एक मैं ही नहीं कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं मैं आले मोहल्ला का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने एक खास किस्मत के हवाले से हमें खुश आमदीद कहा। और वो खुश आमदीद कहने की वजह क्या हो सकती है? वो है कमली वाले की गुलामी। यकीनन हम जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम से शुरू हुए और उस शाम का काफिला रवा दवा है जानब मंजिल, लेकिन कोई गली कोई मोड़ कोई मोहल्ला ऐसा नहीं आया जहाँ दीवानों ने लबैक का या रसूल अल्लाह की सदाओं से इस्तकबाल न किया हो। सितारे जगमगा रहे थे सितारों के झुरमट थे जो हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गए थे। कायनात की फिजाएं मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ रही थी। ये जमीन रब ने मुस्तफा मिलाद के लिए फर्श के तौर पे बिछाई है। ये आसमान का शामियाना मुस्तफा के मिलाद के लिए लगाया गया है। आज हम इन सड़कों पे निकले हैं मुस्तफा की खातिर। पाकिस्तान में 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 पाकिस्तान में
Thank you.